आज पूरे भारतीय के लिए, जितने भी भारतीय हैं उन सब के लिए बहुत खुशी का दिन है। और जो भी क्रिकेट से प्यार करते हैं, जो इंडियन क्रिकेट को देखते हैं, जो भी क्रिकेटर से लगाव रखते हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज एक ऐसा क्रिकेटर है जो कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 10 में शामिल है और उन्होंने अपना नाम दर्ज किया, अपनी जगह बनाई है। और ये नाम है एक विस्फोटक ओपनर, एक कमाल का बल्लेबाज, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से साउथ अफ्रीका के टूर पे भी आपको बताया, साउथ अफ्रीका सीरीज में बताया, उसके बाद बांग्लादेश के सीरीज में भी बताया कि क्या दमखम वो रखते हैं। उनका नाम है मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल का नाम सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले चला होगा दोहरा शतक, जिस तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी खेला था, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई थी, देन उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई। क्या कुछ इस खिलाड़ी के बारे में बोले, जितना बोले उतना कम है। और आज वो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 10 का हिस्सा हो गए, नंबर 10 में शामिल हो गए हैं। और रोहित शर्मा जो कि हिटमैन है वो टॉप 10 से बाहर हो गए, यानी कि चार दिग्गज हमारी टीम के जो कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 4 पोजीशन पे आ रहे हैं। एक तो विराट कोहली नंबर 2 पे स्टीव स्मिथ के बाद, पहला नंबर तो स्टीव स्मिथ का है जो कि उनका भी वो आंकड़ा पछाड़ी देंगे। और विराट के बाद अगर हम बात करें चेतेश्वर पुजारा जो कि क्रिकेट के ऑल इंडियन क्रिकेट के वो तीसरे अजिंक्य रहाणे 5वें नंबर पर है, उन्होंने भी शतकीय पारी खेलते चूक गए लेकिन एक उपकप्तान होने के नाते टेस्ट मैच में उन्होंने बखूबी अपना किरदार निभाया। और आखिरी में आते हैं हमारे चौथे नंबर पे मयंक अग्रवाल, यानी कि रोहित शर्मा का दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं। और आज इस पर बात करते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार नीरज जी के साथ। नीरज जी, कमाल का दिन है आज, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग आंकड़ा सामने आया कल मंगलवार को और इसमें रोहित शर्मा बाहर हो गए, जो रोहित टॉप 10 में हमेशा जगह बनाते थे। अगर आप देखें वाइजैक में जब उन्होंने पहला साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेला था एज अ ओपनर, वहां पर उन्होंने सेंचुरी मारी थी विशाखापट्टनम में। उसके बाद उनका बल्ला रांची में चला लास्ट मैच में जब साउथ अफ्रीका के साथ हम खेले थे। उसके बाद अगर हम देखें तो बांग्लादेश के साथ सीरीज में अगर टेस्ट में बात करें तो एक में 27 रन, दूसरे में 6 रन, कुछ कमाल का बल्ला, उनका बल्ले से रन नहीं निकले, उसका अंजाम भुगतना पड़ा। आप देखिए टेस्ट रैंकिंग में सीधा बाहर हुए। मयंक अग्रवाल जो दोहरा शतक मारते हैं अंदर आ गए, मयंक अग्रवाल के लिए क्या कहेंगे? मयंक अग्रवाल उभरता हुआ इंडियन प्लेयर का एक सितारा है मेरे हिसाब से टेस्ट में, लेकिन उनकी जो टेस्टिंग है वो इंडिया से बाहर की ज्यादा देखी जाएगी, क्योंकि इंडिया से बाहर वो कैसा खेल रहे हैं और इंडिया में बतौर एक बैट्समैन वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आने वाले सीजन में बहुत अच्छा खेलेंगे। अभी अगर हम टेस्ट रैंकिंग बैट्समैन की जो लेटेस्ट बैट्समैन की जो रेटिंग आई है मेरे हिसाब से स्टीव स्मिथ जो फर्स्ट पे 931 रेटिंग के साथ, उसके बाद विराट कोहली द किंग कोहली आई थिंक 928 पॉइंट के साथ 3 पॉइंट नीचे है, बहुत जल्दी पछाड़ने वाले हैं बहुत जल्दी। और तीसरे नंबर पे हमारे केन विलियमसन है, बहुत ही मास्टर क्लास आपको पता है कैसे खेलता है, अभी उनकी सीरीज चल रही है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड तो बहुत ही उन्होंने हरा भी दिया है इंग्लैंड को आई थिंक मैच टेस्ट में। और उसके बाद हमारे चौथे नंबर चेतेश्वर पुजारा, पांचवें अजिंक्य रहाणे, आई थिंक इंडिया के जितने बैट्समैन है टेस्ट में आई थिंक बहुत ज्यादा कमाल करके दिखा रहे हैं, चाहे तो आप देखिए चार नाम टीम इंडिया के शामिल और हमारे 10वें नंबर पे है मयंक अग्रवाल जो अभी हाल ही में आए हैं 700 पॉइंट के रेटिंग के साथ, डबल सेंचुरी 2 बार, क्या कहें अब इंडिया टीम के बैट्समैनों के बारे में। लेकिन अगर बात करें तो मयंक अग्रवाल तो चलिए वो टॉप 10 में आ गए हैं टेस्ट रैंकिंग में, लेकिन अगर बात करें रोहित शर्मा को टक्कर देने के लिए खिलाड़ी है कि नहीं? अब फिलहाल तो अभी इतनी जल्दी कहना बहुत ही मुश्किल, रोहित शर्मा बहुत ही मतलब चलिए आपसे अगर एक सवाल मैं ये पूछूं कि अगर ऋषभ पंत को अगर आप देखें तो जितने मौके आई थिंक पंत को मिले हैं पिछले वर्ल्ड कप 2019 के बाद से, मुझे नहीं लगता किसी क्रिकेटर को मिला होगा। ईशान किशन, संजू सैमसन बेचारे हमेशा ही इस तलाश में थे कि एक मौका मिले अपने आप को साबित करने का, वो एक मौका मिला मयंक अग्रवाल को और देखिए क्या साबित किया, डबल सेंचुरी। जहां पे आप मुझे संजू सैमसन और ऋषभ पंत के बहुत ज्यादा जो बीच में बहुत ही क्लैशेस चल रहे थे, बहुत ज्यादा या लेकिन जो संजू सैमसन के बारे में कहा जा रहा है इधर से सपोर्ट आ रहा था कि उन्हें क्यों नहीं लिया गया टेस्ट टीम के स्क्वाड में, जो आने वाले स्क्वाड में T20 या वनडे में, तो मेरे हिसाब से जो मैंने एक पढ़ा था बीसीसीआई का जो एक लेटेस्ट जो आया तो मैंने पढ़ा था कि उन्होंने मनीष पांडे और संजू सैमसन के बीच में एक वो हो गया था कि किनको ज्यादा वो करें मतलब पिकअप करें, तो उनके हिसाब से उन्होंने मनीष पांडे की ओर ज्यादा किया, क्योंकि जब मिडिल ऑर्डर में जो एक बल्लेबाज इंडिया मनीष पांडे सर T20 के टीम इंडिया में शामिल हो गए, मयंक अग्रवाल नहीं है, मनीष पांडे टीम में आ गए, वही संजू सैमसन उसी हिसाब से बाहर हुए थे, उनका शिखर धवन को चोट लग गई है घुटने में और टीम से वो बाहर है, तो संजू टीम में आ गए, टीम 15 में वो शामिल है बट हाँ प्लेइंग 11 का वो हिस्सा बनेंगे नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन हमारा प्रोग्राम मयंक अग्रवाल पर है, मयंक पर बात करें तो मयंक अगर ODI और टेस्ट ये T20 खेलते
क्या लगता है वही फॉर्म से बरकरार होता है उनका, वही स्ट्राइक रेट से वो खेलते हैं? नहीं, एक टेस्ट एक अलग है, मेरे हिसाब पर्सनली अगर मैं कहूँ तो एक टेस्ट बहुत ही अलग होता है, क्योंकि टेस्ट में पूरे दिन भर आपको एक पेशेंस फोकस और बहुत सारी डिटर्मिनेशन दिखानी पड़ती है बॉल को, मतलब हर एक बॉल को बहुत ही धैर्य से खेलना पड़ता है, लेकिन T20 में ऐसा नहीं होता, ये बॉल स्मैशिंग अराउंड ऑल ऑफ द ग्राउंड, तो यू कैन वेट, आप वेट नहीं कर सकते वहां पे। एक आखिरी सवाल शो को वाइंड अप करने से पहले, अगर आपकी नजर में अगर मैं आपसे पूछूं कि मयंक अग्रवाल T20 खेल सकते थे वो टेस्ट के बाद या फिर ODI, दोनों में से किस फॉर्मेट में आप उनको देखना चाहते हैं? ODI में, ODI में, ODI एट द बैट्समैन या मिडिल ऑर्डर या फिर ओपनर, ओपनिंग तो मैं मेरे हिसाब से वो खेलने जी, अभी क्योंकि KL वहां पे मौजूद है, तो मेरे हिसाब से वो मिडिल ऑर्डर में अगर अपने आपको जितना परिपक्व कर सके टेस्ट मैच उतना अगर वैसे में भी दिखाया तो काफी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो चलिए अब मयंक अग्रवाल तो ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 10 पे आ गए भाई साहब, और जो आते ही उन्होंने रोहित शर्मा को बाहर कर दिया। रोहित शर्मा जिनके बल्ले से रन नहीं निकले इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के सीरीज में, यानी कि ना ही इंदौर टेस्ट में निकला उनका बल्ला से कुछ रन निकले, ना ही कोलकाता टेस्ट जो कि हम डे नाइट टेस्ट खेल रहे थे, पहला डे नाइट टेस्ट था हमारा पिंक बॉल के साथ, उसमें भी कुछ नहीं निकला उनके बल्ले से रन। लेकिन चलिए कोई नहीं, एक क्रिकेटर ऊपर नीचे होता रहता है, ये स्कोर का आंकड़ा है, कभी एक जगह से नहीं सीमित रहेगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि मयंक अग्रवाल 7 से 8 मैचेस, आप देखिए 7 से 8 मैचेस 858-59 का रन है उनका और 2 बार दोहरा शतक, आप समझ सकते हैं कि ये खिलाड़ी क्या है। विराट खुद कहते हैं देखिए कि ट्रिपल चाहिए मेरे को, यानी कि उनका एक दमखम जानते हैं विराट कोहली एज अ कैप्टन की इस प्लेयर में वो बात है कि ट्रिपल सेंचुरी भी लगा सकता। तो आने वाला वक्त अब मयंक अग्रवाल के लिए ODI T20 में जगह बना पाएगा कि नहीं, इसके लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मयंक अग्रवाल T20 और ODI का हिस्सा बन सकते थे या नहीं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।